हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शान। आज मैं बात करने वाला हूँ पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीजों की। कद्दू के बीजों का सेवन करने से डायबिटीज से लेकर मानसिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके कुछ असरदार फायदों के बारे में। पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीजों का सूप भी बनाया जाता है। कद्दू का सूप हो या फिर सब्जी, सेहत के लिए काफी बेमिसाल होता है। कद्दू के बीज खाने के फायदे कमाल के होते हैं। इन आश्चर्यजनक बीजों का उपयोग पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए किया जा सकता है। इनमें आयरन, कैल्शियम, फोलेट और बीटा कैरोटीन सहित कई पोषक तत्व होते हैं। छोटे अंडाकार आकार के कद्दू के बीज, जिन्हें कैपिटस भी कहा जाता है, पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है। नट्स की तरह कद्दू के बीज ओमेगा 6 फैटी एसिड सहित प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट का एक बड़ा स्रोत है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कद्दू के बीज खाने के जबरदस्त फायदों की। नंबर एक, डायबिटीज रोगियों के लिए कद्दू के बीज ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये बीज डाइजेस्टिव प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मददगार माने जाते हैं। डायबिटीज रोगी इन बीजों को डाइट में शामिल करके काफी फायदा उठा सकते हैं। नंबर दो, वजन घटाने को बढ़ावा देते हैं। ज्यादातर लोगों का फिटनेस क्रेज वजन कम करने पर टिका होता है। कद्दू के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो आपको अधिक समय तक फुल रखने में मदद करते हैं। कद्दू के बीजों में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो आपको तृप्त रखता है और आपको अनहेल्दी खाने से रोकता है। नंबर तीन, बालों की ग्रोथ के लिए कद्दू के बीजों में क्यूकरबिटासिन होता है, जो एक अनोखा अमीनो एसिड है, जो बालों के विकास में मदद करता है। ये विटामिन सी से भी भरपूर होते हैं, जो बालों की ग्रोथ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप अपने स्कल्प पर कद्दू के बीज का तेल लगा सकते हैं, या अच्छा परिणाम देखने के लिए रोजाना एक मुट्ठी कद्दू के बीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर चार, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में विटामिन ई और कैरोटीनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये सूजन को कम करने में मदद करते हैं और कोशिकाओं को हानिकारक मुक्त कणों से बचा सकते हैं। ये आपके शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाने में काफी सहायक होते हैं। नंबर पाँच, दिल के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन। कद्दू के बीज में स्वस्थ बसा, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे होते हैं। इन छोटे बीजों में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। बीजों में मौजूद मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में भी काफी मददगार होते हैं। नंबर छह, बेहतर नींद लेने में मददगार। कद्दू के बीज में सीरोटोनिन होता है, जो एक न्यूरोकेमिकल है, जिसे एक प्राकृतिक नींद को प्रेरित करने वाला माना जाता है। इसमें ट्रिप्टोफेन भी काफी मात्रा में होता है, जो एक ऐसा अमीनो एसिड है जो शरीर में सीरोटोनिन में बदल जाता है, जिससे आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। बिस्तर पर जाने से पहले मुट्ठी भर बीज रात को नींद पाने का एक आसान और प्राकृतिक तरीका है। नंबर सात, सूजन दूर करते हैं। कद्दू के बीज में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो गठिया के दर्द को कम करने में मददगार होते हैं। जोड़ों के दर्द के इलाज में ये बीज एक आसान घरेलू उपाय के रूप में काम करते हैं। सर्दियों में इन बीजों का सेवन आपके लिए कमाल कर सकता है। नंबर आठ, शुक्राणु या स्पर्म की गुणवत्ता में सुधार। कम जिंक लेवल शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी और पुरुषों में बांझपन के जोखिम के साथ जुड़ा हुआ है। कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं, इसलिए इनके सेवन से शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। अब बात कर लेते हैं कि कद्दू के बीजों का सेवन कैसे करना है। दोस्तों, आप सूखे भुने हुए कद्दू के बीजों को नाश्ते के रूप में भी ले सकते हैं, और कद्दू के कुछ बीजों को पीसकर अपनी सलाद और करी में मिला सकते हैं। आप अपने खानों को भुने हुए या कद्दू के बीजों से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।